दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश की पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। दोनों ही हाउसेज में सारे फंक्शन सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट करने के लिए एक इंचार्ज की जरूरत पड़ती है, जो लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि स्पीकर ने हाउस के किसी मेंबर को गलत कंडक्ट की वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया या हाउस से बैन कर दिया वगैरह वगैरह। इनफैक्ट हाउस के अंदर स्पीकर प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लोअर हाउस के फंक्शंस को अच्छे समझने के लिए स्पीकर के रोल को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पीकर के इलेक्शन एंड टेन्योर, रोल्स पावर्स एंड फंक्शंस और इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी की। पहले बात करते हैं इलेक्शन एंड टेन्योर की। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी को वोटिंग करके इलेक्ट किया जाता है, जिसमें वोटिंग सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही कर सकते हैं। हर जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग में लोकसभा के स्पीकर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा के स्पीकर का टर्म लोकसभा के टर्म के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट की फर्स्ट मीटिंग तक रहता है, जिसमें न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर से नए एमपीज में से किसी को स्पीकर इलेक्ट करती है। और अगर पुराने स्पीकर फिर से नए इलेक्शन में जीत के आते हैं तो फिर से स्पीकर के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। आमतौर पर स्पीकर का टेन्योर लोकसभा के टेन्योर के बराबर अप्रोक्स 5 साल का ही रहता है, बट कुछ केसेस में टाइम से पहले उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, जैसे अगर उनकी लोकसभा की मेंबरशिप किसी वजह से खत्म हो जाए या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या लोकसभा में मेजॉरिटी के साथ उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए, या फिर वो खुद ही डेप्यूटी स्पीकर को राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे दें। जब भी लोकसभा के स्पीकर की पोजीशन खाली होती है, तुरंत ही एक नए स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। स्पीकर के इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट के द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पीकर के रोल्स पावर्स और फंक्शंस की। तो स्पीकर लोकसभा के हेड होते हैं, वो लोअर हाउस और उसकी कमिटीज के मेंबर्स को मिलने वाली पावर्स और प्रिविलेजेस के गार्जियन यानी संरक्षण होते हैं। यानी उन्हें ध्यान रखना होता है कि पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर के किसी भी अधिकार का हनन ना हो। स्पीकर हाउस के प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होते हैं और पार्लियामेंट्री मैटर पे उनका डिसीजन फाइनल होता है। स्पीकर हाउस में सबसे ज्यादा ऑनरेबल होते हैं। स्पीकर को हाउस में सबसे उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। स्पीकर को अपनी पावर्स 3 सोर्सेज से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। इनके अकॉर्डिंग स्पीकर के पास पावर्स के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जैसे उनका काम है हाउस में ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन रखना और फंक्शंस रेगुलेट करना, जिससे सदन की कार्यवाही एक सिस्टमैटिक तरीके से चले। ये लोकसभा के स्पीकर की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए उन्हें एब्सोल्यूट पावर मिलती है। इसके अलावा उनके पास पावर होती है हाउस को स्थगित या सस्पेंड करने की, इनकेस अगर हाउस की अटेंडेंस टोटल स्ट्रेंथ के 10% से भी कम हो। यूजुअली स्पीकर हाउस की वोटिंग में एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा अपने वोट का यूज नहीं करते, लेकिन स्पेशल सिचुएशंस में जब किसी चीज पे डिसीजन टाई हो जाए तो उस केस में डेडलॉक तोड़ने के लिए स्पीकर अपने वोट का यूज कर सकते हैं। ऐसे वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। इसके अलावा जब भी किसी बिल पे डेडलॉक तोड़ने के लिए प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, तो उसमें अध्यक्ष स्पीकर ही बनते हैं। इसके अलावा स्पीकर जरूरत पड़ने पर हाउस के लीडर जो जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी रिक्वेस्ट पर हाउस की एक सीक्रेट मीटिंग भी बुला सकते हैं। ऐसी सिटिंग में स्पीकर की अनुमति के बिना चेंबर लॉबी या गैलरीज में कोई भी अनजान पर्सन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि मनी बिल ऐसा बिल होता है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में फैसला कौन करेगा कि एक बिल मनी बिल है या नहीं, तो ये पावर भी लोकसभा के स्पीकर के पास ही होती है और इस चीज में उनका डिसीजन ही फाइनल माना जाता है। इसके अलावा जब भी किसी लोकसभा के किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है तो उसमें उन्हीं का फैसला चलता है, लेकिन हाँ, इस केस में उनका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और वो देश की लेजिस्लेटिव बॉडीज के ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा स्पीकर ही लोकसभा की सभी पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं और उनके काम पे निगरानी रखते हैं। वो खुद द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द रूल्स कमिटी और द जनरल पर्पज कमिटी के चेयरमैन होते हैं।
नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पीकर की इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी की। तो चूंकि स्पीकर एक हाई प्रेस्टीज पोजीशन और अथॉरिटी वाली पोस्ट होती है, तो उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी एब्सोल्यूट नेसेसरी बन जाती है। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनसे स्पीकर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी इंश्योर की जाती है। जैसे उन्हें एक सिक्योर टेन्योर मिलता है, उन्हें उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ऐसे रेजोल्यूशन को इवन डिस्कस करने के लिए भी लोकसभा के कम से कम 50 मेंबर्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उनकी सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया जाता है, यानी उसके लिए पार्लियामेंट के एनुअल वोट की जरूरत नहीं पड़ती। और उनके काम या आचरण को पार्लियामेंट में डिस्कस या क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। स्पीकर की इस इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ देशों में, जैसे ब्रिटेन में, तो इवन ये रूल है कि स्पीकर स्ट्रिक्टली एक नॉन पार्टी पर्सन होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वहां स्पीकर को स्पीकर बनने से पहले अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है और पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना पड़ता है। इस वीडियो में हमने बात की स्पीकर के इलेक्शन एंड टेन्योर, उसके रोल, पावर एंड फंक्शंस और उसके इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी के बारे में। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।